हेलो व्हाट्सअप गाइस माय नेम इज विनोद बाजू थापा एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी यूज स्टेट चैलेंज इन आवर रिएक्ट एप्लीकेशन सो गाइस आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट जो हमारा काउंटर एप्लीकेशन है उसको मैंने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है ताकि आपको एकदम बेसिक ना लगेगा ठीक है तो ये आपके लिए चैलेंज है जहाँ पे अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है आप देख सकते हो बहुत क्लियरली यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है एंड अगर मैं डिक्रीमेंट पर क्लिक करता हूँ तो वैल्यू डिक्रीमेंट होती है अगर मैं रिसेट पर क्लिक करता हूँ तो वैल्यू वापस रीसेट हो जाती है एंड सिर्फ इतना ही नहीं लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइव ठीक है अब अगर मैं इंक्रीमेंट करता हूँ सो दिस इज द स्टेप्स एंड जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा उतने वैल्यू से वो इंक्रीमेंट होने चाहिए अब ये देखो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव थर्टी थर्टी फाइव फोर्टी एंड जब मैं डिक्रीमेंट करूंगा तो ऑब्वियसली डिक्रीमेंट भी उतने ही नंबर से होना चाहिए ये देखिए कैसा लगा ये है ना ऑसम awesome, जहाँ पे पहले खाली प्लस वन देन फिर माइनस वन मैंने बोला ट्वेंटी से डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट करो तो आप प्लस ट्वेंटी लिख देते थे बट आप ये कैसे करोगे चलो एक काम करता हूँ ग्यारह कर देता हूँ मैं और ये देखो ग्यारह के थ्रू हो रहा है ग्यारह से माइनस हो रहा है ये कैसे करोगे रिसेट कैसे करोगे एंड सिर्फ इतना ही नहीं लेट्स इसको मैंने कर दी बीस अब ध्यान से देखना हंड्रेड के बाद क्या इसे काम ही नहीं करेगा हंड्रेड के बाद आपका ये काम ही नहीं करेगा एंड वहीं अगर मैं जाता हूँ जीरो जीरो के नीचे अभी आपका काम भी नहीं करेगा समझ रहे हो तो हमें वैल्यू बटन जो इसको डिसेबल कर देना है तो बहुत सारी फंक्शनैलिटी लाइक स्टेप्स आपको स्टेप्स फंक्शनैलिटी ऐड करना है डिसेबल करना है लिमिट ऐड करनी है रिसेट रखना है काउंटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो है ही तो क्या ये चैलेंज आज का बहुत ही ज़्यादा औसम awesome होने वाला है तो आप लोगों के सामने आप देख सकते हो वी हैव आवर यू एक सेकेंड सो वी हैव आवर यूज स्टेट हुक तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हो चैलेंज डॉट जेस करके एक फाइल बनाया है प्री डिफाइंड जो कोड है हमारे एग्जिस्टिंग कोड ऑलरेडी मैंने यहाँ पे रख दी है आपके सामने मैं शेयर कर दूंगा एंड चैलेंजेस क्या है देखो यहाँ पे सिंपल एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तो आपको मालूम चल गया ठीक है नॉर्मल दो बटन क्लिक करने पे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना है लेकिन साथ ही साथ रिसेट बटन होगा एड अ बटन टू रिसेट द काउंट टू जीरो जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं देन वी नीड टू हैव द लिमिटेशन लाइक सेट अ मैक्सिमम एंड अ मिनिमम लिमिट फॉर द काउंटर एंड डिसेबल दी बटन्स वेन दोज लिमिट्स आर रीच्ड मैंने बताया ना द मोमेंट ऑफ जो भी मिनिमम या मैक्सीम आप डिफाइन uh, करते हो एंड जैसे हम वहाँ पर पहुंच जाते तो हमें बटन को डिसेबल कर देना है अब रिएक्ट में बटन को हम कैसे डिसेबल कर सकते हैं वो भी एक कंडीशन के ऊपर वो भी इम्पोर्टेंट है देन स्टेप इंक्रीमेंट एक आपको इनपुट फील्ड एड करना है उसमें यूजर कोई भी नंबर एड कर सकता है एंड उस नंबर के बेस पर अब आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना होगा तो कैसा लगा ये है ना और सब मैंने कहा ना ये बेस्ट वर्ल्ड बेस्ट रिएक्ट कोर्स होने वाला जहां पे सिर्फ एक सिंपल से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं हमने बहुत चीजें ऐड कर दी इस पर एट दी एंड में मैंने सोचा था हिस्ट्री भी हम ऐड कर सकते हैं जहां पे यूजर ने जो जो वैल्यू टाइप की टक टक टक, टक एक के नीचे एक आ जाता वो भी हम कर सकते वो आपके लिए चैलेंज है आपका होमवर्क है वो बट फिलहाल अभी हम इसको करना है सो गाइस पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड ट्राई यू और एंड आई होप आपने एटलीस्ट ट्राई किया होगा तो वन बाय वन सब टैकल करते पहले चलो इंक्रीमेंट को टैकल कर लेते ठीक है हमें काउंट को इंक्रीमेंट करना है डिक्रीमेंट करना है तो एक स्टेट वेरिएबल लगेगा अगर वैल्यू कभी भी चेंज होती है तो आंख बंद करो एक स्टेट वेरिएबल बना लो सेट काउंट ठीक है इक्वल टू आपका ये हो गया यूज स्टेट एंड डिफॉल्ट वैल्यू मैं एक जीरो रख दे रहा हूँ ठीक है अब यहाँ पे ये जो जीरो है इसके बदले मैं यहाँ पे काउंट ऐड कर देता हूँ चलो ठीक इतना तो हमें मालूम था ये तो गाइस कोई बड़ी बात नहीं है एंड जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो हैंडल इंक्रीमेंट ठीक है तो हैंडल इंक्रीमेंट करके मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ ठीक है एंड जब कोई इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा तो आप देख सकते हो कि जब भी कोई सेकंड वाले बटन पे क्लिक करेगा तो हम हैंडल डिक्रीमेंट वाला जो फंक्शन उसको टैकल कर रहे हैं ठीक है लेट्स को विथ हैंडल इंक्रीमेंट यहाँ पे मैं चलता हूँ सो इट्स अ कॉन्स्ट हैंडल इंक्रीमेंट ठीक है जहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है वी हैव अ सेट काउंट जिस पे मैं कर देता हूँ मेरा काउंट प्लस वन फिलहाल ये करते राइट देन गाइस हमारा जो सेकेंड था वो था हैंडल डिक्रीमेंट तो हैंडल वी हैव अ डिक्रीमेंट एंड इसमें हम कर देंगे माइनस वन ठीक है ये मैंने कि मैं अब यहाँ पे चलता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा आपको अपने एप्लीकेशन पे इसको हटाओ कंट्रोल एस सेव कर दो एंड इसको आप यहाँ से हटा दो ठीक है तो ये मैंने ऐड कर दी हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट part पे ठीक है इसकी मुझे कोई नीड नहीं है कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है तो अगर जब जब मैं क्लिक करूँगा तो इंक्रीमेंट हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है बट दी प्रॉब्लम इज देखो लिमिटेशन ही तो नहीं है ये देखो ना कहाँ जा रहा है माइनस फोर चला गया ये आई मीन इन्फिनिटी ये चलता जाएगा तो वो चीज़ को हमें टैकल करना बहुत ज़रूरी एंड डेट्स वाई आज का हमारा ये वीडियो इंपॉर्टेंट है ठीक है तो चलो इतना तो मेरा काम हो गया है राइट अब हम एक रिसेट वाला कर लेते हैं रिसेट वाला भी बहुत ईजी ऑन क्लिक जब भी कोई इस पर करेगा क्लिक तो हैंडल uh, रीसेट कर देते ठीक है सो हैंडल रीसेट यहाँ पे मैं चलता हूँ सो इट्स अ कॉस्ट हैंडल रीसेट एंड यही सेम ऑफ कोड को कॉपी करो पेस्ट एंड यहाँ पे बस इसको आपको नल का आई मीन जीरो कर देना है ठीक है तो जब भी कोई रिसेट पे क्लिक करेगा तो सेट काउंट की वैल्यू मैं वापस जीरो कर दूंगा चाहे वो कुछ भी रहे रहा हो ये देखो क्लिक कर दे जीरो हो जाएगा चाहे मैं जितना भी कुछ करूँ क्लिक करती है वो जीरो हो जाएगा तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड रिसेट वाला जो मेरा पार्ट था वो तो मेरा कंप्लीट हो गया चलो ठीक है नाउ लेट्स टैकल आवर स्टेप कि यूजर ने लेट्स से यहाँ पे पाँच लिखा अब मैं अगर इंक्रीमेंट करता हूँ तो मुझे पहले पाँच फिर दस फिर पंद्रह ऐसे चाहिए एंड अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो पंद्रह दस पाँच इस तरीके से है ना तो लेट्स टैकल डैट पार्ट देखो ये इनपुट फील्ड है ठीक है एंड इनपुट की वैल्यू भी तो यूजर मैं लाइक uh, like, हर बार जब भी वो टाइप कर रहा वो चेंज हो रहा है ठीक है तो अब मुझे यहाँ पे भी तो स्टेट लगेगा ना ठीक है तो देखो ध्यान से मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चलता हूँ इस पर्टिकुलर जगह पे एंड हमारे उस पर्टिकुलर के लिए भी मैं एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल क्रिएट करूंगा आई I मीन mean, हमें एक वेरिएबल लगेगा स्टेट वेरिएबल लेट्स को विथ स्टेप सेट स्टेप एंड लेट्स को विथ यूज स्टेट ठीक है एंड uh, फिलहाल इसकी वैल्यू हम जीरो रख देते हैं क्योंकि ये भी तो नंबर ही है, है ना तो ये सेट स्टेप को मैं कॉपी कर रहा हूँ ध्यान से देखना ये जो मेरा पर्टिकुलर वीडियो है आई मीन पार्ट है कल की वीडियो में मैं कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल बताऊंगा अभी मैं दिखा देता हूं क्या बताने जा रहा हूं अभी अगर मैं यहां पे चलता हूं इंस्पेक्ट करता हूं ठीक है कंसोल पे हूं मैं इसको मैं हटा रहा हूं एक बार रिफ्रेश करता हूं तो सब कुछ सेट है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन द मोमेंट मैं यहाँ पर चलूँगा एंड अगर वैल्यू एट्रीब्यूट दे देता हूँ तो आ, ठीक है यहाँ पर तो अभी वो आएगा आपको बट यहाँ पे सेट इट्स स्टेप दिस इज इट ये मैं आपको दिखाना चाहता था एंड दैट इज ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है ए कंपोनेंट इज चेंजिंग एंड अनकंट्रोल्ड इनपुट टू बी कंट्रोल्ड तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड वर्सेस अनकंट्रोल्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए रिएक्ट के थ्रू आप कुछ भी करना चाहते हो देन आप कंट्रोल्ड कर रहे हो अब आप कंट्रोल कर रहे हो रिएक्ट की मदद से ठीक है एंड जब आप सिर्फ वैल्यू लिखोगे तो अब आप नोटिस करना है। यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते ठीक है क्यों आपको एक और इवेंट हैंडलर पास करना पड़ता है दैट इज़ ऑन चेंज एंड हम ऑलरेडी ये देख चुके हैं हमारे टू डू एप्लीकेशन पर मैंने जानबूझ के उतना आ, मैंने जानबूझ के वो प्रोजेक्ट बनाया था पहले ताकि आपको ये आइडिया आ जाए कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट में कैसे वो काम करो अब तो आपको आइडिया आ चुका है यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे भी उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकता हूँ बहुत इजीली दैट इज सेट नॉट सेट इट्स अ सेट स्टेप ठीक है जहाँ पे आ, इवेंट आ, या तो ई भी लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है टारगेट डॉट वैल्यू क्योंकि हमारे इनपुट फील्ड में वैल्यू होती है एंड यहाँ पे मुझे ये पास करना पड़ेगा जब भी आप ऑन चेंज इवेंट यूज करते हो बाय डिफॉल्ट आपको एक इवेंट ऑब्जेक्ट दैट इज योर सिंथेटिक इवेंट रिएक्ट में वही काम कर रहा है वो आपको मिलता है जिसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा एंड ये जो आई I मीन mean, जब जब यूज कुछ भी चेंज कर रहा है तो मैं सेट स्टेप के अंदर उसको अपडेट कर रहा हूँ इट मीन्स मेरे वो इस पर्टिकुलर स्टेप की वैल्यू को वो क्या कर रहा है अपडेट करते जा रहा है तो अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकता एक सेकंड रिफ्रेश करना पड़ेगा ठीक है ये देखो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ ठीक है अब ध्यान से देखना अब यूजर ने यहाँ पे लेट्स फाइव लिख दिया तो वो फाइव अब मुझे इस इधर ऐड करना होगा मतलब इंक्रीमेंट करूँ तो फाइव से इंक्रीमेंट होना चाहिए तो उसके लिए जहाँ मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू डेट इज़ वन लिख रहा था इंस्टेड ऑफ वन नाउ आई विल गो विथ स्टेप स्टेट ऑफ वन आई विल गो विथ स्टेप दिस इज इट तो यह है ट्रिक ट्रिक तो क्या बोलना बेसिक्स या लॉजिक जहां पर फाइव सो देखो आप देख रहे हो क्या इस क्या हो रहा है ये आपका ये देखो एक प्रॉब्लम हो गया यहां पर एंड द प्रॉब्लम इज कि वो एड तो कर रहा है बट कहीं ना कहीं उसको किसी तरीके से या तो नंबर या तो स्ट्रिंग कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है डेट्स वाई वो इंस्टीट ऑफ एडिंग कॉन्केटिनेट हो रहा है तो हम एक काम करेंगे कि मुझे जहाँ तक मालूम है ये जो हमारी वैल्यू है काउंट वो तो ऑलवेज नंबर है ठीक है बट कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सो वॉट वी विल डू ये जो भी वैल्यू हमें मिल रही है क्यों ना हम इसको कन्वर्ट कर दे इन नंबर ठीक है टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ जहाँ पे मैंने नंबर में इसको कन्वर्ट कर दी है तो आई गेस ना हो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एंड बूम गाइस सी ये देखो मेरा काम हो गया अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूँ तो डिक्रीमेंट भी ये मेरा बराबर हो रहा है ठीक है ना अब हमें एक कंडीशन डालना है एंड देट कंडीशन इज कि मैं इसको जीरो के नीचे नहीं जा सकता ये नेगेटिव वैल्यू मुझे नहीं चाहिए एंड इंक्रीमेंट में मैं हंड्रेड के ऊपर नहीं जा सकता ठीक है तो ध्यान से देखिए अब कैसे हम कर सकते बताओ बटन को अब हम कैसे डिसेबल करें कि अगर जो भी हमारा अकाउंट इफ इट्स ग्रेटर देन हंड्रेड डिसेबल इंक्रीमेंट बटन इफ द वैल्यू इज लेस देन जीरो डिसेबल डिक्रीमेंट बटन बताओ कैसे करोगे ये है ना ऑसम awesome. तो देखो सोचा होगा आपने बहुत कुछ बद कभी ये रियलाइज नहीं किया होगा कि ये इतना ईजी हो सकता था वी हैव वन डिसेबल्ड एट्रीब्यूट बाई डिफ़ॉल्ट जब भी हम एस्टेमल में काम करते तो बटन में वी हैव डिसेबल्ड एक एट्रीब्यूट बाई डिफ़ॉल्ट मिलता है यहाँ पर मैं बहुत ईजिली कली ब्रेसेस यूज कर सकता हूँ अगर ये एक एस्टेमल कोड होता मैं नहीं कर सकता था बट वी आर राइटिंग जे एस एक्स जिसमें हम द मोमेंट कली ब्रेसेस यूज करते वी आर एंटरिंग इन टू जावास्क टू वर्ल्ड अब मैं बोल दूंगा इफ काउंट वैल्यू इज सॉरी ये तो रिसेट में तो मुझे कुछ काम ही नहीं है इसका यहाँ पे अगर काउंट की वैल्यू लेस देन जीरो है ठीक है या इवन इफ इट्स इक्वल टू जीरो राइट बेसिकली लेस देन एंड देन इक्वल टू होता है कुछ इस तरीके से तो आप इसको डिसेबल कर दीजिए एंड इफ इट्स इफ इसकी जो वैल्यू है इफ इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हंड्रेड अगर रहा तो आप इसको डिसेबल बेसिकली एक्टिव हो जाएगा ठीक है अब ध्यान से देखना द मोमेंट टक टक एंड बुम गी फिलहाल अभी मैंने इसको कलर कर दिया है डैट्स वाई वो डिसेबल आपको पता नहीं चल रहा बट मैं सी में डिसेबल होती इसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूँ सी की मदद से एंड अब इसकी जो वैल्यू है लेट्स को विथ ट्वेंटी है ना इस तरीके से ट्वेंटी अब अगर मैं जितना भी करूँ ये देखो अब वो हंड्रेड के ऊपर नहीं जाएगा तो ये हंड्रेड के ऊपर नहीं जाएगा वो जीरो के नीचे नहीं जाएगा स्टेप्स हमने ऐड कर दी रिसेट बटन हमने ऐड कर दी इंक्रीमेंट हमने देखा डिक्रीमेंट हमने देखा तो कैसा लगा ये थाना चैलेंज बहुत ही औसम awesome. एंड बहुत सारी चीज़ आप कर सकते थे जो जो वैल्यू आप पास करो टक 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 आप एक एक नीचे यहाँ पर दिखा सकते हो ओरिजोनटल वर्टिकल करके तो आई होप गाइस ये जो चैलेंज था आपको बहुत मज़ा आएगा एंड फाइनली अब कल की वीडियो तो हमने थोड़ा देखा था बट आज का वीडियो तो ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा एंड कल का वीडियो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल वर्सेस अनकंट्रोल कल की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो गाइज वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड नेक्स्ट टारगेट इज वन मिलियन सब्सक्राइबर तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा मिलता आप हम आपको नेक्स्ट वीडियो में टिल देन गाइज थैंक यू सो मच टेक केयर